हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020 के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर एक सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन अगले माह जारी किया जाएगा। इसी को देखते हुए आज का हमारा ये वीडियो उत्तर प्रदेश लेखपाल का पहला वीडियो होगा और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर एक भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो गाइस, हिंदी की मूल उत्पत्ति ये हुई है शौर सैनी अप्रवस से। दूसरा क्वेश्चन, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो भारत की प्रथम देश भाषा है ऑप्शन ए पाली। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा है जो कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन डी पाली। चौथा क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है किससे होता है? ऑप्शन बी व्याकरण से होता है। पांचवा क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर कहलाते हैं स्वर। छठा क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? वो ध्वनि है व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, का खा गा फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? का खा गा फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? ऑप्शन डी खा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों में अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑप्शन डी अकारांत। 9 से 13 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में चार वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो 9 की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? 9 की वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन सी। तो अनुच्छेद इस प्रकार से लिखा जाएगा, पूंजीवाद किस प्रकार से लिखा जाएगा? ऑप्शन बी पूंजीवाद। अंतर्निहित, तो अंतर्निहित किस प्रकार से लिखा जाएगा? अंतर्निहित ऑप्शन सी इस प्रकार से लिखा जाएगा। परीक्षा, ऑप्शन डी परीक्षा। षड्यंत्र कैसे लिखा जाता है? षड्यंत्र कैसे लिखा जाता है? तो षड्यंत्र लिखा जाता है ऑप्शन ए षड्यंत्र इस प्रकार से लिखा जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। कवीश्वर में कौन सी संधि है गैस? कवीश्वर में दीर्घ संधि होता है। संसार, तो संसार की संधि क्या होगी? सत धन सार, तो ये कौन सी संधि होगी? ये होगी व्यंजन संधि। तन्मय, तन्मय का संच्छेद क्या होगा? तत् धन मय। पहचाने का अच्छा तरीका, ये हलंत आपका जरूर बच जाएगा। ये तो तन्मय में होगी आपकी संधि व्यंजन संधि, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। इत्यादि, इति धन आदि इस प्रकार से लिखा जाएगा। इत्यादि संधि छेद क्या होगी? इति धन आदि, इसमें जाएगा यण संधि। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि छेद का चयन कीजिए। तो पुनर्जन्म में कौन सी संधि होगी? पुनर्जन्म, यदि आप इसको तोड़ते हैं तो इस प्रकार से ये टूटेगा, पुनर्धन जन। इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें आपकी संधि होगी व्यंजन संधि, ये आपको ध्यान रखना है। पितृ ऋण, पितृ ऋण इसको तोड़ के कैसे लिखा जाएगा? पितृ ऋण ऑप्शन सी पितृ धन ऋण। इत्यादि, इत्यादि की संधि इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? इत्यादि ऑप्शन ए इति धन आदि। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ऑप्शन ए युधि धन स्थिर। जगदीश, जगदीश संधि क्या होगी? जगदीश ऑप्शन ए जगत धन ईश व्यंजन संधि होगा इसमें। कनकटा, कनकटा ऑप्शन बी कान धन कटा। रामायण, रामायण की संधि क्या होगी? ऑप्शन सी राम धन आयन। 25 से 28 निम्नलिखित प्रत्येक
शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। दशानन में कौन सा समास होगा? देखिए, जिन शब्दों में व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, या को ध्यान रखना है, प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम या भगवान के नाम आ जाएं, तो वहां आपका बहुप्रिय समास होता है। या को ध्यान रखना है, दशानन, दश आनन है जिनके, बहुप्रिय समास हो जाएगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रतिमान, प्रति आबर उधर, किस समास का ये उदाहरण है? प्रतिमान, ऑप्शन वी, अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। वीर पुरुष, तो वीर है पुरुष जो, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चांद, चंद्रमा, चंदर, चंद, तत्सम शब्द कौन सा होगा इसमें? इसमें आपका तत्सम शब्द होगा चंद्रमा। छेद, डंडा, विभा, सिंह, इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी, विभा। 31, हसी, कपूर, ओज, आम, तत्सम शब्द होगा इसमें ओज, ऑप्शन सी। खेत, नहर, निर्मम, कुछ, इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी, निर्मम। सुमन, नाखून, कौवा, वाह, इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए, सुमन। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्बोध शब्द का चयन कीजिए। कान, नासिका, परीक्षण, कटक, इसमें तद्बोध शब्द कौन सा होगा? तद्भव शब्द इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कान। पीड़ा, केरा, पर्याप्त, सिल, इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? पीड़ा। पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य, इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो गाइस, इसमें तद्भव शब्द होगा ऑप्शन सी, अंधेरा। बालिका, बेंत, आज्ञा, सिद्धि, इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा गाइस? ऑप्शन वी, बेंत। रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति, इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन वी। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये क्या कहलाते हैं? तो ये शब्द कहलाते हैं योगगुण शब्द। निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमल असंगत शब्द चिन्हित कीजिए। तो 40वें क्वेश्चन में बेमल शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन डी, आदि। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, बेमल शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए, घर। 42वां देखिए, सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष, बेमल शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी, मस्तक। निगाह, दृष्टि, नेत्र, नजर, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी, नेत्र। समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? गाइस, इसमें बेमल शब्द होगा ऑप्शन डी, खेद। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द छांटिए। पर्यायवाची शब्द, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, खौर। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुबेर का ऑप्शन सी, धनाधिप। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है बिवाभरी। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन वी, तमीचर। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भागीरथी, ऑप्शन वी, गंगा। विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन वी, दामिनी। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटिए। सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? सामंजस्य का, विवाद। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? ओजस्वी का, ऑप्शन डी, निस्तेज। पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, भीरुता। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी, विषाद। क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, कृपा। उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन वी, शांत। रंग का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन वी, धनवान। तो गाइज, ये हमारा था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सामान्य हिंदी का, उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020 की परीक्षा के लिए। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।